हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल इन द ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग ऑन यूनिट 5, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कॉन्क्रीट। इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी स्टडी अबाउट द वेरियस कॉन्क्रीट ऑपरेशन अप टू कॉम्पैक्शन। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लास्ट टू कॉन्क्रीट ऑपरेशन, दैट इज क्यूरिंग एंड फिनिशिंग। नाउ फर्स्ट वी विल सी लर्निंग आउटकम, कोर्स आउटकम एंड प्रोग्राम आउटकम्स। फर्स्ट, कोर्स आउटकम इज CO5, दैट इज मेंटेन द क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट। देन प्रोग्राम आउटकम इज दैट इज PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 एंड PO10 मैप फ्रॉम दिस यूनिट। नाउ द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज एक्सप्लेन द सिक्वेंस ऑपरेशन ऑफ कॉन्क्रीटिंग इन गिवन सिचुएशन। सो दीज आर ऑल अबाउट द लर्निंग आउटकम, कोर्स आउटकम एंड प्रोग्राम आउटकम। नाउ फर्स्ट वी विल सी क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं हम। सबसे पहले, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग फ्रेश कॉन्क्रीट वेट और ह्यूमिड फॉर सर्टन पीरियड आफ्टर कॉम्पैक्शन टू कंप्लीट हाइड्रेशन रिएक्शन। क्यूरिंग क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होती है, इसमें क्या करते हैं हम, कॉन्क्रीट का जो पोर्शन होता है, ठीक है, जो भी कोई स्ट्रक्चर है, उसको क्या करते हैं हम, एक तो वेट और ह्यूमिड रखते हैं फॉर सर्टेन पीरियड के लिए। किस चीज के लिए, ताकि जो हाइड्रेशन रिएक्शन है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट या फिर हाइड्रेशन प्रोसेस जो हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन, जिसके कारण क्या होता है हमारा कॉन्क्रीट हार्ड होता है, तो उसके लिए जो भी वाटर रिक्वायर्ड होता है वो कहाँ से मिलता है कॉन्क्रीट को, फ्रॉम दीज क्यूरिंग्स, ठीक है। अब ये स्टेप्स किसके बाद आती है, आफ्टर कॉम्पैक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि क्यूरिंग की कौन कौन सी मेथड्स होती है। फर्स्ट आप लोग देख रहे हैं वाटर क्यूरिंग। वाटर क्यूरिंग मतलब इस मेथड्स में हम क्या करते हैं, क्यूरिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, बाय द मीन्स ऑफ वॉटर, ठीक है। मतलब अब क्यूरिंग एजेंट क्या हो गया, इसमें आपका वॉटर हो गया है। देन मेम्ब्रेन क्यूरिंग। मेम्ब्रेन क्यूरिंग में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, वॉटर यूज नहीं करते, एक मेम्ब्रेन शीट यूज करते हैं, ठीक है, जो उस कॉन्क्रीट के ऊपर में क्या करते हैं हम, प्लेस कर देते हैं, जिसके कारण इवोपरेशन या फिर हाइड्रेटेड जो वॉटर होता है उसे हम रोकते हैं, जिसके कारण जो आपका कॉन्क्रीट में जो भी वॉटर है उसी वाटर के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, अपनी हाइड्रेशन ऑफ प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, उसे हम एक्स्ट्रा वाटर प्रोवाइड नहीं करते हैं। मेम्ब्रेन क्यूरिंग हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर रहता है, ऐसे सिचुएशन में हम मेम्ब्रेन क्यूरिंग को प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू वाटर क्यूरिंग। सो फर्स्ट आपकी मेथड्स हो गई वाटर क्यूरिंग, सेकेंड हो गई आपकी मेम्ब्रेन क्यूरिंग। देन अब आता है आपका नेक्स्ट होता है आपका अप्लीकेशन ऑफ हीट। इट इज अगेन वन ऑफ द मेथड्स ऑफ क्यूरिंग। अप्लीकेशन ऑफ हीट में क्या होता है, हम अल्ट्रा वायोलेट के जो रेज होती है उसकी मदद से हम क्यूरिंग को कंप्लीट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम वाटर को प्रोवाइड नहीं करते फॉर क्यूरिंग पर्पस, हम क्या करते हैं यूवी रेज की हेल्प से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट और क्यूरिंग पर्पस वो हम फुलफिल करते हैं, ठीक है। अब ये भी मेथड्स का यूज होती है जहाँ पे आपका एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर रहेगा। और लास्ट है आपकी मिसलेनियस मेथड। मिसलेनियस मतलब द ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मेथड्स। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एग्जाम में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आती है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द मेथड्स ऑफ क्यूरिंग। सो सबसे बेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड्स होती है आपकी वाटर क्यूरिंग। क्यों होती है सिंपलेस्ट मेथड, क्योंकि ये सारी हमारे क्यूरिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और वाटर क्यूरिंग ही डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज की जाती है फॉर द क्यूरिंग पर्पस। अब हम देखते हैं कि वाटर क्यूरिंग कैसे की जाती है किसी भी स्ट्रक्चर की। फर्स्ट क्या है, दिस इज द बेस्ट मेथड्स ऑफ क्यूरिंग बिकॉज इट्स सेटिस्फाइड ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्यूरिंग।
इन सभी मेथड्स में से हमारी सबसे बेस्ट मेथड्स कहलाती है आपकी वाटर क्यूरिंग। क्यों? क्योंकि ये जो होती है, ये सारे जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारे रिक्वायरमेंट को क्या करती है, वो फुलफिल करती है। द नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट एटम्स आर नॉर्मली इमर्स इन क्यूरिंग टैंक फॉर सर्टेन ड्यूरेशन। अब इसमें क्या होता है, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट जो भी होते हैं एटम, प्रीकास्ट मतलब ऑलरेडी कहीं पे कास्ट किए हुए, उससे क्या होता है, प्रीकास्ट जो भी एटम है वो क्या होता है, नॉर्मली हम इमर्स करते हैं इन द क्यूरिंग टैंक फॉर द क्यूरिंग पीरियड के लिए। ये भी किसके अंडर में आता है, आपका वाटर क्यूरिंग के अंडर में। देन आपका पेवमेंट जो होते हैं, पेवमेंट स्लैब, रूफ स्लैब एक्सेट्रा आर कवर्ड बाय अंडर वाटर बाय मेकिंग स्मॉल पॉन्ड्स। अब ये आपने देखा होगा, जब भी आपकी स्लैब की कास्टिंग होती है और आफ्टर 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स, हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाते हैं स्लैब के ऊपर में और उसे फिल कर देते हैं फॉर्म बाय दी वाटर। अब ये क्यों करते हैं हम, ताकि जो भी वाटर है वो फ्लोट ना हो सके कहीं पर भी, ठीक है। फ्लोट नहीं होगा तो क्या होगा, जो वाटर हमने उस पॉन्ड में फिल किया वो वही होगा, और जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वाटर की फॉर द हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए, वो वाटर उसे वहीं पर मिल जाएगा। देन आपका स्प्रेइंग इज द मोस्ट यूज्ड इन वर्टिकल रिटेनिंग वॉल, प्लास्टरिंग सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट एंड कॉलम। अब स्प्रेइंग भी एक मेथड्स हो गई, ठीक है आपकी। अब लेकिन स्प्रेइंग ऑफ वाटर कहाँ पे यूज होता है, जो आपके वर्टिकल पोर्शंस होते हैं और वी कैन से आफ्टर प्लास्टरिंग जो होते हैं, वो वहां पर जो स्प्रेइंग जो होता है वो ज्यादातर यूज किया जाता है। आफ्टर प्लेसिंग द कॉन्क्रीट इट एक्सपोज सरफेस इज कवर्ड बाय मॉइस्ट कैनवास दैट इज गनी बैग्स। अब ये जो गनी बैग्स, मतलब इसे लोकल लैंग्वेज में जिसे हम क्या कहेंगे, पोता जिसे कहते हैं, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा ये किराना स्टोर्स में आपको ज्यादातर दिखता है। और ये क्या होता है, जो आपका सीसी रोड होता है, सीमेंट रोड होता है, क्या होता है, आफ्टर कास्टिंग हम क्या करते हैं, उस गनी बैग्स को उसके ऊपर में प्लेस कर देते हैं और उसके ऊपर में हम वाटर स्प्रे कर देते हैं। अब जिसके कारण गनी बैग क्या होता है, उस वाटर को एक क्या करता है, एग्जॉस्ट करता है। एग्जॉस्ट करने का क्या होता है, वो वेट फॉर्म कर देता है अराउंड द कॉन्क्रीट। इसके कारण जो भी आपका हाइड्रेशन ऑफ प्रोसेस है वो धीरे धीरे कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वाटर क्यूरिंग के अंडर में हमने कौन कौन से वेरियस सब मेथड्स देखने को मिल रही है हमको। एक हमने पॉन्डिंग मेथड्स का जिक्र किया, उसके बाद हमने इमर्शन देखा, उसके बाद स्प्रेइंग ऑफ वाटर देखा, और उसके बाद देखा हमने गनी मैक्स। सो दीज आर ऑल दी सब मेथड्स ऑफ वाटर क्यूरिंग। अब आप इस इमेजेस की मदद से आप टोटली आपका क्लियर हो जाएगी वाटर क्यूरिंग कैसे हो जाती है, ठीक है। और आपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा कि वाटर क्यूरिंग को हमने बहुत ध्यान से देखा हुआ या फिर हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। फर्स्ट इमेज क्या शो कर रही है आपको, वो मेथड शो कर रही है आपकी पॉन्डिंग मेथड। पॉन्डिंग मतलब पॉन्ड छोटे छोटे बनाना, एक स्लैब बना हुआ है और स्लैब में हमने क्या किया है, छोटे छोटे पॉन्ड बना दिए और पॉन्ड में हमने क्या वाटर फिल कर दिया है। इट इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ वॉटर क्यूरिंग। इमर्शन, इमर्शन आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में, या फिर आप जब भी कॉन्क्रीट लैब में आते हो तो एक क्यूरिंग टैंक बनी होती है जिसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे क्यूब्स बनाने के बाद हमने उस वॉटर क्यूरिंग में हमको इमर्स कर देते हैं, तो वो भी किस चीज के लिए होता है, फॉर क्यूरिंग पर्पज के लिए। तो अगेन इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ वॉटर क्यूरिंग अंडर द इमर्शन मेथड। देन स्प्रेइंग ऑफ वॉटर होता है, ठीक है। थर्ड इमेज में आप लोग देख रहे हैं कि हम वर्टिकल पोर्शन को क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं फॉर द क्यूरिंग। एंड द नेक्स्ट देखा होगा कि आपको गनी बैग्स दिख रही है। अब आपको क्लियर होगा कि गनी बैग्स क्या होती है, या फिर आपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा क्या होता है, वर्टिकल पोर्शन या फिर हॉरिजेंटल पोर्शन में उस गनी बैग्स को क्या कर देता है, प्लेस किया जाता है और उसके ऊपर में वाटर स्प्रे किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर एब्सॉर्ब करता है वो गनी बैग्स और बहुत ज्यादा समय तक वो क्या होता है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करता है अराउंड दी कॉन्क्रीट, जिसके कारण जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर दी क्यूरिंग पर्पज वो गनी बैग्स वो वाटर प्रोवाइड कर देता है। सो दीज आर ऑल अबाउट दी वाटर क्यूरिंग। नाउ द समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज, हमने क्या पढ़ा, सेकेंड लास्ट क्यूरिंग पढ़ा हमने, क्यूरिंग ऑपरेशन, और वी कैन से कॉन्क्रीट ऑपरेशन क्या था हमारा, क्यूरिंग।
क्यूरिंग क्या होता है वो पढ़ा हमने, मेथड्स ऑफ क्यूरिंग पढ़ा है, ठीक है। देन दीज आर ऑल अबाउट द लास्ट क्यूरिंग। थैंक यू।